कहाँ झांकी है क्या एकदम? और बहुत ज़्यादा कोहरा है, बिल्कुल डैम तो दिख ही नहीं रहा है, और आज ठंड की वजह से मुझे लगता है बंद है ये। यात्री बना दिया तुमने वो अरे नौ तो। नौ सवारी आज बंद है ना लग रहा है ठंडी की वजह से ज़्यादा। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार लवकुश व्लॉग में। और दोस्तों आज मैं आ गया हूँ कानपुर बोट क्लब में। आज दोस्तों मैं आया हूँ मतलब घूमने, और मतलब आज बहुत ज़्यादा ठंडी है और कोहरा आज तो बहुत ज़्यादा ही है। और चलते हैं फिर अब अंदर, और जो भी मतलब बाइक अगला है वो यहीं पार्किंग पॉइंट है, पूरा बना हुआ है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं साथ में, सभी भाई लोग भी हैं आज। ये लोग हैं भाई लोग अपने, ये भी बड़े वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ देखो मतलब टाइमिंग के हिसाब से टिकट के रेट्स हैं, सब कुछ है। ये नोटिस बोर्ड पे ही ये सब कुछ है, और इस पे मतलब 5 से 8 ₹50, और मतलब 8 से 4 बजे तक टिकट वाले ऐसे ही सब रेट मेरा टिकट 5 टिकट ऑनलाइन कर दे दो, ऑनलाइन स्कैनर लो स्कैनर टिकट ले, 4 दो हमको खाली पकड़ो ना तो मेरे है ही है ना। चलो फिर अब अंदर ले अंकित भाई, उनको टिकट दिखा दो। चलो ये देखिए, ये देखो ये भाई इसकी लैंग्वेज हमको समझ नहीं आती, ये बोलता क्या है। अबे अंदर तो पूरा मतलब देख रहे हो, मेरा फोन है वो वाला, तुम्हारा फोन है ना, हाँ वो दूसरा वाला। हम तीन लोग तो बात कर रहे हैं, हम तीन लोग लाल 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 देख रहे हो लगा लिया रिटर्न मांगे। अबे यहाँ तो बिल्कुल जंगल जंगल चिड़ियाघर बता रहा है। देखो एक बंदर, वो देखो पहले जानवर दिखा, बंदर दिख गया, देखा बंदर दिखा तुमको। अभी चलो दरियाई घोड़ा, ये तो मतलब बिल्कुल जंगल है, मतलब सफारी टाइप का, मतलब एक तरह बोल सकते हैं। और मतलब जिस दिन धूप हो उस दिन तो ज्यादा मतलब घूमने लायक जगह है, आज तो ठंडी ज्यादा है तो थोड़ा कम। और वैसे तो सुना है यहाँ पे रिक्शे भी चलते हैं, मगर आज रिक्शे नहीं चल रहे हैं। ये देखो गुलाल भाई वहाँ पे देखना कहीं खो ना जाना। इसको अंकित को कहीं ना खोले ले चूतिया है भाई साहब, गाड़ी में चाबी लगा भूल गए। दोबारा जाएंगे देखना बाहर के, तो ऐसा एंट्री नहीं होगी है। लोग आ गए चाबी लेके, काफी टाइम लगा देना, 2 घंटे का टाइम ही है घूमने का, नहीं तो फिर उसके बाद चार्ज लगा देते हैं। तो चलते हैं आगे। अब उनकी लोफड़ी हो। तो दोस्तों हम लोग आ गए यहाँ पे कानपुर बोट क्लब। ये मतलब अब बिल्कुल आ गए यहाँ से, यहाँ तक बिल्कुल सफारी जैसा, मतलब बिल्कुल वैसा ही आपको लगेगा बिल्कुल। मतलब एक तो वहाँ से गेट से यहाँ तक आने बिल्कुल ऐसे ही है, जंगल टाइप का थोड़ा सा। और अब आ ही चुके हैं, यहाँ भी टिकट चेक होती है। ओ भाई काफी शानदार बना हुआ है, मतलब काफी अच्छा बना हुआ है। ये रहा बोट,
पहले वहां से वहां तक आने में ऐसा लग रहा था कि बस ऐसे ही आ गए हैं, है ना। क्यों आंसू भाई तो कह रहा था वापस चलो, कुछ है ही नहीं। यहाँ पे काफी अच्छा बना हुआ है और आगे उधर मतलब क्या कहते हैं उसको, फास्ट फूड का स्टॉल पूरे वगैरह वहाँ बने हुए हैं। अभी आगे चल के दिखाते हैं आपको। भाई आज तो अपना डैम तो दिख ही नहीं रहा है, गंगा बैराज वाला पूरा डैम, क्योंकि कोहरा है बहुत ज़्यादा। इनके देखो फोटो शूट चल रही है। और आज बोट मतलब नहीं करेंगे बोट से सैर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है इस वजह से। और काफ़ी अच्छा बना हुआ है और वहाँ तक थोड़ा आगे आपको दिखाते हैं। और यदि आप कानपुर के रहने वाले हैं तो ज़रूर घूमने आए यहाँ पे, नहीं आए हो तो, और देख सकते हैं काफ़ी प्यारा बना हुआ है। और ऐसे ही वहाँ तक पूरा है। और अब चलते हैं पीछे, इतनी ज़्यादा ठंड है और बहुत ज़्यादा कोहरा है, बिल्कुल डैम तो दिख ही नहीं रहा है। और आज ठंड की वजह से मुझे लगता है बंद है ये, अरे नाव सवारी आज बंद है ना लग रहा है ठंडी की वजह से ज़्यादा। तो अब चलते आओ उधर, चलते आओ चले क्यों, तुम लोग तो बस घुसे हुए पड़े हो फोन में। आज तो ठंड बहुत है, मैंने सोचा था हल्की धूप आज निकल आएगी, कल मतलब पिछले वीडियो की तरह मैंने जो दिया था, आज तो बिल्कुल नहीं धूप निकली है। धूप थोड़ी निकली होती तो और ही मज़ा आ जाता, क्योंकि आज वो नौ सवारी आज हो नहीं रही है। तो आज उधर साइड अब थोड़ा सा व्यू दिखा देंगे जहाँ पे मतलब स्टॉल बने हुए हैं। कैसा लगता है मान लीजिए हैं। और दोस्तों मैंने आपको एक बात और नहीं बताई कि नौ सवारी का जो भी चार्ज है 175 रुपये है, जो भी आए वो मतलब कर सकता है। आज तो बंद है ना, आज तो जाते हैं, मेरा मन था करने का बोट सवारी लेकिन नहीं करेंगे। और अब चलते उधर, क्योंकि इन लोग की फ़ोटो शूट हो चुकी है ना पहले। ये देखो इनको बहुत गर्मी लग रही, देखो शर्ट में घूम रहे हैं, इनका देखो बहुत गर्मी लग रही है भाई साहब। ये कैंटीन टाइप का बना हुआ है ना कि कैफे, कैफे हाँ कैफे है, कैफे बना हुआ है यहाँ पे, काफी अच्छा कैफे बना हुआ है, द मेन सेट कैफे। चाट चाय चीज मोमोज बर्गर जो भी है अपना फास्ट फूड का आइटम ही लगा हुआ है। और आगे साइड तो बैलून है, बच्चों के लिए बैलून झूला, बच्चे अपना वहाँ, मुझे लग रहा है आज भीड़ कम है उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही मतलब कम भीड़ है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए। और इसी वजह से मतलब आज अगर जो हल्की सी भी आज धूप निकली होती तो आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली थी। मैंने तो सोचा था आज धूप निकलेगी मगर आज नहीं निकली। ओ भाई साहब जीप में घूमोगे क्या? हाँ भाई आगे चलते आओ, आगे चलते भाई साहब, काफी आगे तक है, काफी बड़ा बना हुआ है भाई, ऐसी कुर्सी पे बैठना भाई मर जाएगा आज, पानी भी इस पे चल रहा है, जो बैठेगा वो मर जाएगा। जिसको अपनी धोनी और वो बैठ सकता कमोड है वे कमोड। अभी तेज पानी चल रहा था। अरे यार बहुत बड़ा बना है, आगे चल के देखते हैं कैसा क्या सीन है। तो गाइस बस यहीं तक लास्ट था, इतनी दूर तक था और मतलब ख़त्म है आगे रास्ता। और ये हमारे भाई लोग देखो
देख रहे इनको तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है यार। सही बताया, आज घूमते घूमते हम लोग चले आए यहाँ पे पूरे आने थोड़ा और दूर है ना। दोस्तों हम लोग बोट क्लब के बाहर आ चुके हैं, अब तो चलेंगे बाहर। यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया था मतलब रिक्शे का भी है यहाँ पे, नहीं तो पैदल आ जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, पैदल आ सकते हो, वैसा ही है, पैदल ही सही है। रिक्शे तो वही है जो मतलब प्रॉब्लम चल नहीं सकता है ना। तो बस ये है आज, मतलब मजा इसलिए आज नहीं आए, मतलब है काफी अच्छा बना हुआ है आज ठंड की वजह से, और नौ सवारी नहीं कर पाए। अच्छा बना, साले सुधर जाओ तुम लोग। ये लोग नहीं मानने वाले, यूपी की लैंग्वेज है मेरे जान। यूपी नहीं कनपुरिया। और सब मिलते सीधा बाहर आपसे, क्योंकि इधर तो सब वैसा ही है सफारी। अब हम लोग फाइनली बाहर आ चुके हैं, और ये लोग पार्किंग से बाइक आइक लेके आएंगे दोस्त लोग। और मज़ा तो आया, लेकिन दोस्तों के साथ थे तो ज़्यादा मज़ा आया, और ज़्यादातर वैसे कपल ही आ जाए हुए थे। और मतलब घूमने लायक जगह है, और यदि कानपुर से है तो आप लोग ज़रूर आइए घूमिए, और जिस दिन मतलब धूप हो उस दिन तो ज़रूर आइए, उस दिन ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हल्की ठंड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी है ना, तो ठंडी की वजह से आज के दिन मतलब ज़्यादा मज़ा नहीं आई है। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्लॉग के साथ, बाय दोस्तों।